अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कतर खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज के वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है मिनिस्ट्री के तरफ से, MOI के तरफ से, मिनिस्ट्री अरेस्ट इंडिविजुअल फॉर थीफ एंड कमर्शियल स्टोर्ट। कुवैत सऊदी कतर का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी दोस्तों छापेमारी की गई, जिसके दौरान वहां पे शख्स को पकड़ा गया है। वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, भारी मात्रा में कुवैती दिनार के साथ इसे पकड़ा गया है। दोस्तों ये कुवैत में क्या करता था, ये कमर्शियल स्टोर पर ये चोरी करता था इलेक्ट्रॉनिक सामान का, जिसके पास काफ़ी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चुराया था। तो 9 जनवरी 2024 को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, पैसे चुराने के लिए और कुछ कमर्शियल चीज़ों को चुराने के लिए। इसके पास साथियों बहुत सारे चीज़ें मिली, जैसे कि स्टील मनी सेफ, यूजिंग सर्टेन टूल जैसे कि हैमर वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये सब सारी चीज़ दोस्तों इसके पास मिली है, जो कि खिड़की वगैरह खोलने के लिए या फिर कोई चीज़ तोड़ने के लिए काम आता था। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे पूछताछ वगैरह की जा रही है कि इस जो चोरी का माल कहाँ पर बेचता था, कहाँ इसके साथ और कौन कौन है, किसके कहने पर यह करता था, ये सब सारी चीज़ दोस्तों पुलिस की तरफ से इससे पूछताछ वगैरह की जा रही है। तो दोस्तों खबर को आप ट्वीट को पढ़ना चाहते हो, ट्वीट को पूरी तरह से आप पढ़ सकते हो, ट्वीट आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। अगली जो खबर दोस्तों आ रही साथियों, ये आ रही है कतर आर्म फोर्स प्लेन कैरिंग 28 टन 84 गाजा अरब इन इजिप्ट। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इसराइल फिलिस्तीन की जंग अभी भी चल ही रहा है। इसी दौरान कतर जो है बहुत सारा मदद अब तक भेज चुका है। लगभग 52 फ्लाइट अब तक कतर की तरफ से भेजा जा चुका है, साथ ये 53वां फ्लाइट था। तो कल के दिन फिर से साथियों 28 टन के जरूरत की चीज़ों को कतर के तरफ से भेजा गया, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे साथियों आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह, सेल्टर्स वगैरह, ये जो भी मदद की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें भेजी गई। अब तक साथियों बता दूं कि कतर के तरफ से लगभग 1879 टन खाना दोस्तों भेजा जा चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर की तरफ से कितनी ज़्यादा मदद फिलिस्तीन को मदद किया जा रहा है। अगली जो खबर दोस्तों आ रही है, इजरायली एयर स्ट्राइक किल फैमिली मेंबर ऑफ कतर बेस्ड अल अरबी रिपोर्टर। साथियों, कतर बेस्ड एक अल अरबी रिपोर्टर की मौत हो गई है, क्योंकि इजरायली एयर स्ट्राइक के वजह से किल फैमिली मेंबर, दोस्तों उसके पूरे फैमिली मेंबर की मौत हो चुकी है। साथियों, अल जजीरा में ये काम करता था। इजरायली एयर स्ट्राइक के चलते दोस्तों दो फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट जो गाजा में थे उनकी मौत हो चुकी है, उनके वाइफ का और उनके फैमिली मेंबर अहमद अल बत्ता का, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये वायरल भी हो रही हैं। तो साथियों समझ सकते हैं इसराइल की तरफ से कितनी ज़्यादा निर्ममता दिखाई जा रही है, किसी को भी इसराइल की तरफ से नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वह बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर कोई रिपोर्टर ही क्यों ना हो, सभी को उनके तरफ से एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। अगली जो खबर आ रही है, कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल। साथियों, कतर में इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल लगने वाला है, तो यदि आप जाना चाहते हो उसमें जा सकते हो। 13 एडिशन, ये लगभग 13वां साल से दोस्तों ये लग रहा है, तो इस साल 13 साल हो चुका है। अलविदा पार्क में लगाया गया है, 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट है। तो भाई लोग, आप लोग जो भी खाने पीने के शौकीन रखते हो, जाना चाहते हो, जा सकते हो। बहुत ही डिलीशियस खाना आप लोग को वहाँ देखने को और खाने को मिलने वाली है। तो एक बार अलविदा पार्क चले जाइएगा शाम के वक्त में, खास तौर पर 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 13वां एडिशन यानी 13वां बार इस बार चलाया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते साथ हो नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।